लैपटॉप के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, डेवलपर कोडर कौन सा लैपटॉप लें, कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। लैपटॉप का सबसे बड़ा मॉडल HP। HP में आप जाएं तो आप इलीट बुक या प्रो बुक, इन दोनों में से कोई एक सीरीज़ चूज़ करें, इसके अलावा किसी और सीरीज़ पे ना जाएं। डेल पे अगर आप जाते हैं तो आप लैटिट्यूड को चूज़ करें, लैटिट्यूड के अलावा किसी और सीरीज़ पे ना जाएं। लिनोवो पे जाते हैं अगर आप तो थिंकपैड यूज़ करें। तो ये वो सारी सीरीज़ हैं जो मैंने आपको बता दी जो डेवलपर के लिए यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा आप किसी और सीरीज़ पे जाएंगे तो पैसे ज़ाया तो नहीं, लेकिन इससे बेहतर है आप वही सीरीज़ लें जो डेवलपर्स लेते हैं। अब सवाल आता है लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। देखें, लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है रैम, वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपका बजट बनता है आप ले लें, 8 GB कर लें, 16 GB कर लें, जो आपका बजट में आ जाता है इजीली। फिर उसके अलावा प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए। अभी जो स्टैंडर्ड प्रोसेसर है वो i5 या i7 का है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें आती जनरेशन, हम सपोज करते हैं कि आप एटलीस्ट 6th generation लें। अगर आपका बजट है, आप अपने बजट को पहले देखें, और अगर 6th generation से पीछे जा रहे हैं, बजट नहीं आ रहा, लिमिट हो रहा है, तो बेहतर ये है कि ले लें, एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, ना होने से बेहतर होना है।